हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। और आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे आपके डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर सॉलिड के SF 810 Pro के बारे में। ये एक ऐसा मीटर है जिसमें आपको टीवी स्क्रीन भी मिल जाती है और आसानी से जो है आप अपने डिश एंटीने को कभी भी किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको KU बैंड, C बैंड सभी को सेट करने का मौका मिलता है। इसमें आपको डिस्प्ले स्विच को भी इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। और अगर आपके पास किसी कारणवश कोई टीवी नहीं है तो इसको जो है आप टीवी स्क्रीन बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाटा स्काई कनेक्शन है, सन डायरेक्ट है, वीडियो कॉन है, डिश टीवी है, एयरटेल है, कोई भी डीटीएच कनेक्शन है तो उसके जो स्क्रीन है उसका टीवी स्क्रीन इस्तेमाल कर आप कर सकते हैं इस डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर में। और इसमें वो क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं और इसका रिव्यू भी कर लेंगे कि आखिर इसमें वो क्या क्या फंक्शनलिटी मिल जाती है। और जल्दी इसके बाद जो है आपको मैं एक और वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि इससे हम किस तरह से किसी भी डिटेल्स को सेट कर सकते हैं, किसी भी C1 सैटेलाइट को आसानी से सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम अपने सेट फाइंडर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर हमारा जो बॉक्स है वो अंदर से किस प्रकार का हमें मिला है। तो हम पहले इसके जो है बाहर से जो है रैपर की ओपनिंग करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो भी आपको बिल भेजा है उन्होंने उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार प्रोडक्ट अगर हमें रिप्लेस करवाने की जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास जो है उसका बिल होना चाहिए। तो आपको जो है इसको अच्छे से बिल को जो है अलग से निकाल लेना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उस इसी तरह से जो है आपको पहले बिल को अलग कर लेना है, उसके बाद जो है इसकी पैकेजिंग को खोलना है। तो देख सकते हैं हमने इसको बिल जो है वो बिल्कुल अलग कर लिया है। अंदर भी आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार की पैकेजिंग है। तो यहाँ से जो है हम इसको कट कर लेते हैं। बाहर के जो पैकेजिंग है दोस्तों कुछ इसी प्रकार से अनरैप होगी और पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ जो है हमारे पास प्रोडक्ट को भेजा गया है। तो उसका जो बाहर का जो कवर था वो हमने साइड रख दिया है। और दोस्तों ऊपर से आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है सेफ्टी के साथ बॉक्स भेजा गया है ताकि किसी भी तरह से जो है आपका बॉक्स खराब ना हो या फिर कोई टूट ना जाए अंदर से। तो देखिए ये भी ऊपर का एक्स्ट्रा रैप ही है जिससे प्रोटेक्शन दी गई थी, उसे हम साइड रख देते हैं। और यहाँ पर जो है आपका जो है फ्रंट में कुछ इसी प्रकार का सेट फाइंडर का बॉक्स जो है वो आपको नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। ऊपर भी इसके काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है जिसका मॉडल आप देख सकते हैं SF 810 Pro। पहले जो था दोस्तों 810 ही आया करता था जो कि 3000 mAh बैटरी के साथ था, लेकिन इसकी बैटरी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हुए 5000 mAh कर दिया गया है और साथ ही इसका जो मॉडल का नाम है उसको SF 810 से SF 810 Pro कर दिया गया है। बाकी इसमें फुल HD डिजिटल आपको जो सैटेलाइट DB मीटर दिया गया है जिसमें आप MPG2 और MPG4 सभी के सिग्नल्स मिला सकते हैं। और इसके अंदर जो आपको टीवी भी इंक्लूड करके दिया गया है जिससे आपको छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर बार बार अपने टीवी को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी के अंदर आपको टीवी नज़र आ जाएगा अपना चैनल्स को स्कैन करने के लिए। यहाँ फिर आप इसको जो है एज अ टीवी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डीटीएच कनेक्शन लगा हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकेंगे एज अ टीवी देखने के लिए। बाकी साइड में इसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं तो आप इसको जो अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पॉज करके वीडियो को, इसके जो भी फीचर्स है सो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो चलिए फटाफट से जो है हम इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है इसकी सील लगी हुई है, टेपिंग करी हुई है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है हमारा बीच ओपन होगा। और ओपन हो जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो है आपको इसका यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा जिसमें आपको बताया गया है कि इसका आपको इस्तेमाल किस प्रकार से करना होगा। ये जो जानकारी आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसको मैं कर देता हूँ साइड में। इसके बाद दोस्तों ये जो है आपको एक केबल दिया गया है जिससे आप जो है अपने टीवी जो है उसका बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए टाटा स्काई का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी डीटीएच का इस्तेमाल करते हैं तो इस वायर के इस्तेमाल से जो है आप उसका सेट टॉप बॉक्स इस्तेमाल कर सकेंगे। मान लीजिए ये जो वायर है हम जो है ये अपने सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगाएंगे, जो भी हमारा डीटीएच का कनेक्शन है, मान लीजिए टाटा स्काई है तो टाटा के सेट टॉप बॉक्स के पीछे ये वायर लगेगी और इस मीटर के पीछे जो दोस्तों ये वायर लगेगी, जैसे कि आपका मोबाइल चार्जर टाइप होता है उस प्रकार से। इसके अलावा दोस्तों ये जो है हमको इन्होंने 3-in-1 की जैक पिन दे रखी है जिससे ऑडियो वीडियो के माध्यम से हमारे सेट टॉप बॉक्स की जो पिक्चर है
वो सेट टॉप बॉक्स में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो है हमें एक 12 वोल्ट का अडप्टर दे रखा है जिससे हमारा जो है ये डिश फाइंडर चार्ज हो सकेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक कनेक्टर दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल से आप जो है अपने सिग्नल्स को ठीक कर सकेंगे डिश एंटीने के, चाहे वो केयू बैंड का है चाहे वो सी बैंड का है। और आखिर में दोस्तों हमारा मेन यूनिट बचता है, इसको हम कर देते हैं साइड में। दोस्तों मेन यूनिट जो है कुछ इस प्रकार का रहेगा जिसका आपको बाहर से जो है कवर भी दिया गया है जिससे आप जो है अपने मीटर को एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं जब भी आप डिश को ठीक करने जाएंगे। यहाँ से दोस्तों ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जो हमारा मीटर है कुछ इस प्रकार का निकलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार का जो है हमारा सेट फाइंडर रहेगा। ऊपर से आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको जो जो फंक्शनैलिटी दे रखी है जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक तो आपको LNB इन का पोर्ट मिलेगा, AV आउट को मिलेगा यानी ऑडियो वीडियो आउट का, और ऑडियो वीडियो इन का AV इन का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सील भी यहाँ पर जो है आपको दी गई है, इस साइड आपको कुछ नहीं मिलेगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड आपको दो स्पीकर मिल जाएंगे और ऑडियो के लिए, और यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाएगी जिससे अगर आप कभी रात को डिश को ठीक कर रहे हैं तो आपको रोशनी की कमी महसूस ना हो। पीछे आपको जो है एक हैंगर मिल जाएगा अगर आप किसी को कहीं TV के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि टांगना चाहते हैं तो उसको आप कील में हैंग भी कर सकते हैं। बाकी आपको एक स्टैंड भी मिल जाएगा जिसके इस्तेमाल से जो है आप उसको स्टैंड आउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शंस में एक USB पोर्ट मिल जाएगा, एक आपको HD आउट दिया गया है अगर आप मान लीजिए ऑडियो वीडियो आउट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, हाई डेफिनेशन के चैनल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप HD आउट यानी HDMI केबल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको जो मैंने दिखाई दिया है DC आउट का ऑप्शन जो कि 12 वोल्ट का रहेगा, और उसकी जो वायर है कुछ इस प्रकार की रहेगी आपको मैंने दिखाया था, और आखिरी में आपको चार्ज करने के लिए बैटरी को 12 वोल्ट DC का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का जो आपको ऑप्शंस रहेंगे, ऊपर आपको सॉलिड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी फीचर्स में ऑप्शंस में बात करें तो आपको F1, F2, F3, F4 का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो आपको 13 वोल्ट 18 वोल्ट और 22K यानी 22K की जो लाइट है ब्लिंक की वो ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी जो है आप ऊपर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं, TV रेडियो का मिल जाएगा, आपको रिकॉल का मिल जाएगा, अप डाउन राइट लेफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सेंटर में ओके का मिल जाएगा, मेन्यू यहाँ पर दिया गया है, एग्जिट बटन यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ नंबरिंग कीज मिल जाएंगी, ऑडियो वीडियो का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, म्यूट मिल जाएगा, सैटेलाइट मिल जाएगा, फाइंडर मिल जाएगा यानी कि आपका फाइंड, और यहाँ पर पावर का बटन दिया गया, और यहाँ पर आपका पीछे जो है लैंप का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों ये जो रिमोट के ऑप्शन है कुछ इसमें ही आपको मिल जाते हैं। बाकी इसको हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर सिंपली जो है पावर का बटन है उसे हम प्रेस करके रखेंगे तो ये जो हमारा आप देख सकते हैं ऑन हो गया। ऊपर आप देख सकते हैं सॉलिड की जो बैजिंग है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, और थोड़ी देर बाद जो है हमारे लिए सेट फाइंडर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ TV की तरह ही नज़र आने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसका जो मेन्यू है वो TV की तरह ही रहने वाला है, आपको मेन्यू बटन प्रेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली हम इंस्टॉलेशन ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको जो है एक स्पेक्ट्रम का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंडर मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, मीडिया मिल जाएगा, कंस्टॉलेशन मिल जाएगा और सेटिंग मिल जाएगा। तो अगर आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम कंटेनर सेटिंग, मोटर सेटिंग, सैटेलाइट लिस्ट, TP लिस्ट और कैलकुलेशन मिल जाएगा। और इसके अंदर जो मेन्यू है आप देख सकते हैं सॉलिड का 6363 जो बॉक्स आता है या 6303 आता है कुछ उसी प्रकार का रहने वाला है। यहाँ पर सेम वही आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जो TV में नज़र आते हैं, और यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसी हिसाब को जो यहाँ पर एग्जिट करना होगा। बाकी मोटर सेटिंग सैटेलाइट लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर सैटेलाइट लिस्ट आ जाएगी, बैक कर लेते हैं, TP लिस्ट में जाएंगे TP लिस्ट आ जाएगी। बस तो यहाँ पर जो है आपका जो है पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो है आसपास कोई दीवार की वजह से इंटरप्शन तो नहीं हो रही सिग्नल्स में, उसकी जानकारी आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी। बाकी फाइंडर पर बात करें तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने सिग्नल्स और क्वालिटी आपको मिल रही है, सिग्नल कहाँ पे लो करो, उसमें बजर भी आपका जो है बजता है यहाँ पर। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो आपको चैनल का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप TV चैनल, रेडियो चैनल और सभी चैनल्स को डिलीट कर सकते हैं या उनको एडिट कर सकते हैं जैसे किसी चैनल का नाम बदलना हो। बाकी मीडिया में जाएंगे तो मीडिया में आपको फाइल, वीडियो, म्यूज़िक, पिक्चर, रिकॉर्डेड फाइल्स और IPTV का ऑप्शन दिया गया है जैसे कि आपको सेट टॉप बॉक्स में मिलता है। कंसल्टेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर भी सेट टॉप बॉक्स की जो है कंसल्टेशन चेक कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स पर जाएंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि आपका जो वर्जन है वो कौन सा रहेगा सॉफ्टवेयर का, और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको सिस्टम की जानकारी, टाइम ऑन टाइम, टाइम सेटिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेड या फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में आपको ऑडियो वीडियो की सेटिंग करनी हो, लैंग्वेज की करनी हो, कलर सेटिंग करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यूटिलिटी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो कुछ ऑप्शन हैं जो कि इसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी सेट फाइंडर के जो इस्तेमाल है वो आपको जल्दी हम करके दिखाएंगे कि सेटलाइट को सेट करके।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।